हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस दिवर्षि शवस्थी जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विथ 10 एम डेली सीरीज तो आज उसका लेक्चर में वन थर्टी सेकेंड है और आज जो हमारा लेक्चर है वन थर्टी सेकेंड, इसका जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू अगेन सिक्स मार्क्स तो आई थिंक मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे इस कट ऑफ को तो देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है और क्वेश्चन के आंसर कौन कौन सही दे पाते हैं ओके याद रखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में डाउट है या आप स्टार्टर हैं आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स प्लस कंप्लीट कोर्स आप यूपीएससी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर एक बार विजिट जरूर करें ओके तो डू विजिट आर लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ओके तो चलिए देखते हैं आज जो कट ऑफ मार्क्स होने वाला है देखते कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है ओके okay, देखिए पहला क्वेश्चन मे बी आर ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ठीक है कुछ एथनिक कम्युनिटीज दी हुए जिनके नाम है आदि गलोस निशी एंड तागिन ओके तो याद रखिएगा ये सारी जो है एथनिक ग्रुप्स हैं या तो एथनिक कम्युनिटीज हैं जो बिलोंग करती हैं गिन कम्युनिटी को किसको बिलोंग करती है गिन कम्युनिटी को, को तो हो सकता है शायद आपने करंट अफेयर्स में ये कम्युनिटीज का नाम सुना हो ओके तो उनकी इमेज भी मैंने यहां पर बना रखी शायद आप इमेज से कुछ पहचान सके ओके तो पूछा गया किस स्टेट की है ये सारी कम्युनिटीज जितनी बोली गई अदी गैलोज निशी या तागिन ओके अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड इज असम थर्ड इज मध्य प्रदेश फोर्थ इज मेघालय ओके तो जो मध्य प्रदेश से तो लोग होंगे उनको तो क्लियर होगा ऐसे लोग उन्होंने नहीं देखे होंगे मे बी तो मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता ओके ए बी डी में से करेक्ट आंसर है आई होप अगर किसी ने सुना होगा दे देह मार्क द करेक्ट आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं याद करिए इट्स करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश मे बी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसका डायरेक्ट आंसर हो याद रखिए इन क्वेश्चन में आप ज्यादा सोच नहीं सकते ये स्टैटिक फैक्ट्स से आपको याद रखने पड़ेंगे ओके okay. तो करेक्ट आंसर दैट इज ए अरुणाचल प्रदेश ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं Uh, that is regarding a famous suffer okay what is this system of air quality and weather forecasting and research

ओनली इन मेट्रोपोलिटन सिटी ओके सो दीज आर द टू स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay. सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए अभी एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटमेंट कौन है अभी प्रेजेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम मेंशन करिए ओके अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ओके नाम से पता चल रहा है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड एंड वेदर फोरकास्ट रिसर्च तो आप गेस कर सकते हैं फोरकास्ट भी करता होगा येस इट प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर ऑल्सो एज वेल एज मॉनिटर ऑल्सो द एयर क्वालिटी ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या सही है अब एयर क्वालिटी से रिगार्डिंग है तो आप एनवायरमेंट सोच सकते हैं बट याद रखिएगा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने तो याद रखना आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दैट इज वन ओनली ओके आपको करेक्ट ऑप्शन में यही बताना है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस अभी कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मे बी शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन है रिगार्डिंग फिशिंग कैट ओके फिशिंग कैट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कैट आपको दिख रही होगी यहां पर ओके okay. इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सॉरी करेक्ट नहीं दिस टाइम द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट है ओके लेट्स गो विद द फिशिंग कैट ओके okay, पहला है इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकल एंडेंजर्ड अंडर आईयूसीएन रेड लिस्ट अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कैटेगरीज हम कैसे याद करें जितना आईसी है तो मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी एनवायरमेंट के लेक्चर्स में ये सब करा रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वेबसाइट को विजिट करें वहां हमने एनवायरमेंट कोर्स में इंपॉर्टेंट जो है स्पीशीज उनको कवर किया हुआ है ओके okay? और अगर आप नहीं भी उसको देख रहे हैं तो स्टिल जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज में रहते हैं उनको देखते आ करिए ये ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट

तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए ओडिशा का स्टेट एनिमल कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है तो बोथ इनकरेक्ट है इनकरेक्ट ही पूछा है तो okay? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके कमेंट बॉक्स में ओडिशा का स्टेट एनिमल जरूर फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स मेंशन करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ और ये हरबा की तरह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपसे पूछ रही है दैट इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है न्यूज में बहुत रहती है ओके okay, ये कोरिंगा प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं एक्चुअली यहां पर आपको बताऊंगा सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा जहां पर बहुत सारे मैंग्रूव फॉरेस्ट लगते हैं वैसे ही अगर देखा है तो सबसे ज्यादा बड़ा मैंग्रूव का स्ट्रेच जो है वो है सुंदरबन में बट सेकेंड लार्जेस्ट अगर मैंग्रोव का स्ट्रेच पूछा जाए ना तो आंसर होता है कोरिंगा दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस तो कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है अफकोर्स आर फेमस फॉर वॉट लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लाइक गोल्डन चेकॉल सी टर्टल फिशिंग कैट एस्टोराइन प्रोकोडाइल स्मॉल ब्लू किंग फिशर कैटल अर्गेट, तो ये सब स्पीशीज के लिए फेमस है कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया लोकेटेड कहाँ है ओके तो मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए भी बहुत फेमस है सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच आफ्टर सुंदरबन तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा ओके मे बी ट्रिकी क्वेश्चन किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो यस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज आंध्र प्रदेश वेरी वाइल्ड लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसके ओके तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश ओके यहां पे लिखा भी हुआ है सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रूस ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिस इज रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दोनों इंडियन पॉलिटी से लिया है मैंने जो कि आज मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है ओके मे नॉर्मली जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको एक क्वेश्चन ना भी बने ओके okay? uh, तो प्लीज आप अगर पॉलिटी आपको नहीं बन रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इंडिविजुअुअल पॉलिटी का कोर्स देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के ईजिली आंसर बन जाएंगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आर्टिकल टू फोर्टी फोर से रिलेटेड ओके इन पार्ट टेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवि स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन for certain areas designated as schedule area and tribal area तो शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया आर्टिकल टू फोर्टी फोर पार्ट टेन ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट है द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन ऑल द स्टेट्स ओके सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ आर करेक्ट या बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग ओके सो वेन यू गेट इन टू आर्टिकल टू फोर्टी फोर इन पार्ट टेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको क्लियर ऑन चाहिए ओके येस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल

फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन है ज वन ओनली और जिसको क्वेश्चन नहीं बन रहा है मैं आपको कहूँगा पढ़ने की जरूरत है आपको बिल्कुल इसके बाद ऑलरेडी डिटेल में एक लेक्चर बनाया हुआ है रिगार्डिंग पार्ट टेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो शेड्यूल फाइव और शेड्यूल सिक्स दोनों कवर किए हुए तो कौन से, स्टेट है? वो कौन से स्टेट है? तो एक्सेप्ट आंसर है असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोराम इन चारों स्टेट को छोड़कर एंड शेड्यूल तो ट्राइबल इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ you <laughs> असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ओके ये चारों स्टेट के आप मुझे कैपिटल जो है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ओके मे बी इट वुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू बट स्टिल कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये कैपिटल्स बताना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ट्रिकी हो जाती है तो एक बार इनकी कैपिटल जरूर कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए मुझे ओके दैट इज असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी दिस टाइम द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके लेट्स गो टू द क्वेश्चन क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स, ओके ऑफ़ कोर्स अंदर सिक्स शेड्यूल अ टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल दो स्टेटमेंट दिए गए विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके रीजनल काउंसिल्स द मैटर्स ओके फॉर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नर ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल काज पावर है टू तो मेक लॉ ऑन ऑल द मैटर्स इन देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन विद्रूवल ऑफ गवर्नर ओके सेकेंड स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट तो okay? okay? so, आपको पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आई थिंक शेड्यूल अगेन अगर पॉलिटिकल देखा होगा तो ईजी है अगर नहीं देखा होगा तो बहुत से लोग नॉर्मल लेक्चर्स देख के तो इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते तो okay? so, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट काउंसिले ऑफकोर्स थर्टी मेंबर्स तो है बट उसमें ट्वेंटी सिक्स इलेक्टेड है और फोर मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर द्वारा ठीक है तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग क्योंकि इसमें लिख दिया पूरे थर्टी है बट देखी सिक्स इलेक्टेड फोर आर नॉमिनेटेड सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है रिमेंबर क्यों रॉन्ग है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल ऑफ पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स सारे मैटर्स नहीं है रिमेंबर स्पेसिफाइड मैटर्स है ना अफकोर्स अप्रूवल ऑफ गवर्नर ओके बट ऑन द स्पेसिफाइड मैटर ओके तो सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है सेकंड भी रॉन्ग है तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है दैट इज नाइदर नॉर ओके तो आर द ट्रिकी क्वेश्चन मे बी आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्वेश्चन बट याद रखिएगा आपने डिटेल में पॉलिटी पढ़ी होगी तो इट वुड बी वेरी इजी क्वेश्चन बट यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं चाहे वो सी डी एस हो असिस्टेंट कमांडेंट हो यूपीएससी का प्रम्स हो याद रखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रिगार्डिंग करंट अफेयर अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग आई है आपने शायद सुनी भी होगी तो उसके रिगार्डिंग मैंने दो स्टेटमेंट पूछ लिए हैं है okay, इंडिया की रैंक इस बार जो रही है ट्वेंटी में नाइन्टी है कौन सी रैंक है नाइन्टी रैंक है ठीक है तो क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको रिलीज करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ंगर लाइफ ओके सो पहला स्टेटमेंट यह है इसको ज्वाइंटली लोग रिलीज करते हैं सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया स्लिप टू सीरियस कैटेगरी में आ गई है इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रॉम द मॉडरेट कंपेयर टू लास्ट ईयर मतलब तो लास्ट ईयर इंडिया मॉडरेट में थी अब सीरियस कैटेगरी में आ गई है टूडे तो मतलब जो अभी रैंकिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग सो विच फॉलो स्टिप ना करेक्ट वन टू बो था करेक्ट या ना इधर वन और

काउंट फॉर हाइएस्ट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट फाइव इय इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लास्ट फाइव इन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया ने कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किया है ओके ऑप्शन है बासमती राइस ओके वीट ओके फ्रेश फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट सो दीज आर दोर थिंग ओके आप सोच सकते हैं इंडिया क्या ज्यादा एक्सपोर्ट uh, uh, कर सकता है ओके okay? क्या डेरी प्रोडक्ट फ्रेश फ्रूट इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं सो यू हेर टू गेट इन दो आंसर आई थिंक जो लोग वीट लगा रहे हैं वो रॉन्ग है याद है करेक्ट आंसर है बासमती राइस

तो पूछा गया कि किससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है ओके, okay. ये क्या है सेप्सिस ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है फॉर डाटा एनालिसिस, ओके, ये एक ऑर्गेन डाय फंक्शन है ओके okay. थर्ड है न्यू वेंचर ऑफ सी है, ओके ड्रग अगेंस्ट कोल्ड एंड कॉफे तो विच इज दिस सेप्सिस जिससे नहीं सुना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपको याद भी रहेगा आ, याद रखिएगा ड्यूरिंग कोरोना वायरस ठीक है जब भी आ, ये इस टाइम पे देखा जा रहा है कोरोना वायरस के टाइम पर ही ये चीज देखी जा रही है ठीक so uh, uh, है सो व्हाट इज दिस दिस इज ऑर्गेन डाई याद रखिएगा डिसफंक्शन फंक्शन ऑर्गन डिस इज नोन एज सेप्सिस मैं आपको बता दूँ कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है ठीक है तो आपकी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करती है ठीक है बट ड्यूरिंग द केस ऑफ सेप्सिस ऐसा होता है कि वो मुझे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी क्या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है मैं आपको आंसर बताता हूं थोड़ा सा बेटर रहेगा कि एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गेन डाई फंक्शन है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है अगर कोई इंफेक्शन होता है तो आपकी बॉडी उस इंफेक्शन से फाइट करती है ओके बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेप्सिस याद रखिएगा क्या होता है कि आपके ऑर्गन फेलियर होते हैं कैसे ऑर्गन फेलियर होते हैं कि एक्चुअली जब आपको इंफेक्शन होता है तो आपको याद रखना है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है इन रिस्पॉन्स फंक्शन जो नॉर्मली रिएक्ट करना होता है वो ओवर रिएक्ट करता है क्या होता है आपके बॉडी के जो अदर ऑर्गन है याद रखिएगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है जिससे आपकी डेथ हो सकती है तो ये देखा गया कोरोना वायरस के टाइम पर कि लोगों कोरोना वायरस की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई जा रही है ठीक है कि उनको कोरोना वायरस था बट डेथ हो गई किसी और चीज से तो ये ऑर्गन फेलियर जो हो रहा है ये इस टाइम पर देखा गया इज नोन सेप्सिस तो याद रखेगा शायद ने सुना भी होगा किसी किसी की डेथ जो हुई है वो इसी की वजह से हुई दैट इज सेप्सिस ओके दैट इज अ वेरी अंपॉर्टेंट टर्म ठीक है ऑर्गन तो ऑर्गन फंक्शन करना वर्क बंद कर देते हैं मल्टीपी

एन आई एम एम ओके तो आप सोच रहे होंगे व्यू मार्स हो सकता है बट आप शायद सुना नहीं होगा व्यू मार्स व्यू मार्स इज नॉट करेक्ट आंसर ओके okay. ये भी रिसेंटली न्यूज में है ओके okay. इसकी फाइंडिंग्स आ रही है इसलिए न्यूज में है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज इन साइट सो रिमेंबर इन साइट इज नासा फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू लुकिंग द डीप बिनेट टू द मार्टिन सर्फेस ऑफ मार्टिन सर्फेस दैट इज मार्स सर्फेस ओके सो आपको याद रखना है अगर सिर्फ आपको ये भी याद रहे कि मिशन मार्स रिलेटेड दट इजल्सो सफिशियंट विच हज लॉन्च बाई होम दट इज ना साइन टू थाउज एटीन ओके तो वी हैव डन वी हैव डन विद द 10 एम सीरीज आई होप जो कट ऑफ था वो आपका क्लियर हुआ होगा दैट इज़ कट ऑफ सिक्स मार्क्स दैट इज एन ईजी टू क्वालीफाई बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में नहीं बन रहे हैं आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट को विजिट करें जहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह कोर्सेज को डील करना पड़ता है ओके अगर इन लेक्चर्स की पी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है है, प्लस यहां पर भी नंबर मेंशन है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी पीडीएफ आपको ऑन डेली बेसिस मिल जाएगी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू